हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है यूपी एनएचएम से जुड़ी हुई रिक्रूटमेंट से यहाँ पे रिलेटेड है, और जानकारी यहाँ पे एक नोटिस के फॉर्म में निकल के आई है, और जो जानकारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी इसका यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो चुका था और काफी कैंडिडेट्स काफी दिनों से इस अपडेट का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 1100 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज पे जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया था और यहाँ पे उनके लिए जानकारी है, और ये सिर्फ 1100 वैकेंसीज वाले रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स के लिए ही है। और देखिए, जो जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है एक नोटिस के फॉर्म में जानकारी दी है, कोरिएंडम 11 नाम दिया गया है इसको, मींस हम कह सकते हैं कि नोटिस नंबर यहाँ पे 11 यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। इस नोटिस में क्या जानकारी दी गई है इसको हम यहाँ पे बिल्कुल आपको रीड करके बताएंगे। अंत तक आपको ये वीडियो को देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। और देखिए, इससे पहले जितने भी नोटिस यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं हमने आपको इसकी जानकारी दी है, और इसी तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह है आप हमसे पूछिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वेबसाइट पे, चाहे वो एक नोटिस ही क्यों ना हो, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। इसलिए क्या करना होगा, अभी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते अपने अपडेट की ओर, और यहाँ पे बोला जा रहा है कोरिएंडम नंबर 11, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो जानकारी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगी। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आई है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1100 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज वाले कैंडिडेट के लिए है, जो कि एनएचएम उत्तर प्रदेश द्वारा ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया गया था। और एक तरीके का यहाँ पे कुछ चेंज यहाँ पे किया गया है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ संशोधन है कुछ वैकेंसीज पे, तो वो क्या संशोधन है वो हम आपको यहाँ पर रीड करके बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे पोस्ट लिखी गई है क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसको यहाँ पे हेल्प डेस्क मैनेजर मीन्स HDM करके यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई थी, और ये 1100 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के अंडर में थी, और यहाँ पे टोटल सभी कैटेगरीज को मिलाकर 119 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई थी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे चेंज किया गया है, 119 वैकेंसीज को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जीरो कर दिया गया है, और उसके बारे में यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया गया है ये जानकारी यहाँ पे दी है। हेल्प डेस्क मैनेजर पोजीशन आउटसोर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैंस द रिक्रूटमेंट ऑफ द सैड पोजीशन हैज बीन कैंसल्ड। कहने वाली बात यह है, HDM पोजीशन जो रखी गई थी हेल्प डेस्क मैनेजर की, ये हटा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। और सीधी से कहने वाली बात यह है कि 119 वैकेंसीज को यहाँ पे अब शून्य कर दिया गया है, मीन्स अब यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है हेल्प डेस्क मैनेजर की। और देखिए, आई थिंक काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे वेटिंग पोजीशंस पे रखा गया था, मीन्स होल्ड पोजीशन पे यहाँ पे रखा गया था। काफी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे होल्ड पोजीशन का यहाँ पे क्या मतलब है, और यहाँ पे फाइनली नोटिस निकाल के बोल दिया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो जानकारी है आउटसोर्स कर दी गई है, मीन्स हटा दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ पे बिल्कुल रिक्रूटमेंट अब जीरो कर दिया गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हेल्प डेस्क मैनेजर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे रिक्रूटमेंट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, यहाँ पे ये जानकारी बिल्कुल दे दी गई है। पूरा का पूरा अपडेट मैंने आपको रीड कर दिया है, इसकी जानकारी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा, वीडियो के नीचे जाके जानकारी आपको मिल जाएगी, और अपने अपने स्क्रीन पर भी आप लोग उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई है, भले ही छोटी सी जानकारी हो लेकिन ये जानकारी हमने आपको आपको यहाँ पे दे दी है, और पूरे YouTube पे ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और अकेला हमारा चैनल यहाँ पे छोटे से छोटा अपडेट यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यहाँ पे दिल से इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपडेट इसी तरीके से चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी भी मैंने आपको काफी वीडियोस में प्रोवाइड कराई है, आप लोग वहां पे भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के नोटिस वगैरह जितनी भी जानकारी वेबसाइट पे आ रही है आपसे कोई भी छूटेगी नहीं, और स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्तियां आ रही है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स वगैरह का अपडेट भी आपको हमारे द्वारा इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 1400 से ज्यादा वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, यहां पे एक वीडियो निकल के आएगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो आप लोग इस फॉर्म को यहां पे जरूर फिल करिएगा, इसमें मैंने आपको पूरा इसमें समझाया गया है और जानकारी आपको इसमें पूरी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को प्लीज यहां पे जरूर देखिएगा, आप सभी लोग से यहां पे अनुरोध है। और यहां पे आपको लगता है कोई ना कोई जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू यहां पे इंफॉर्मेशन मिली है,
आपको क्या करना है, एक थैंक यू का मैसेज आप लोग टाइप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई ना कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।